हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगेन इंग्लिश वोकैबलरी में है। छोटे छोटे वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ इंग्लिश वोकैबलरी के लिए, ताकि आपको कुछ ऐसे अनकॉमन से जो वर्ड्स हैं आपकी डेली लाइफ में वो आपको मिल सकें, और उनको आप यूज़ करके जो अपनी स्पीकिंग इंग्लिश है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना सकें। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर जो कि हम किसी को डराने के लिए यूज़ करते हैं, या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम सुनना नहीं चाहते। लाइक आपको अगर याद हो, बचपन में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो, जैसे चुड़ैल, भूत, है ना, ऐसा बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हम सुनते थे और डर जाते थे। सो उन्हीं वर्ड्स को मैंने यहाँ पर जो है वो कलेक्ट करके एक सेपरेट जो है वो वोकैबलरी का टर्म बनाने की कोशिश की है, ताकि आपको जो है वो ढूंढना ना पड़े और एक सिंगल वीडियो में आपको कुछ नए वर्ड्स जो हैं वो सीखने को मिल जाएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि वर्ड्स क्या होते हैं, उनका करेक्ट प्रोनंसिएशन क्या होता है और उनका मतलब क्या होता है। जैसा कि मैं हमेशा जो है वो वीडियो इसी तरीके से बनाता हूँ वोकैबलरी का, तीनों चीज़ों को लेकर के, कि क्या स्पेलिंग होती है, कैसे उसका प्रोनंसिएशन होता है और एग्जैक्टली कैसे उसका माने होता है या मीनिंग होती है। ओके, कुछ वर्ड्स का प्रोनंसिएशन मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि वो इजी है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक मैजिक, तो इसको जो है वो इतना जो है वो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास है वो है विच, WITCH, विच। कैसे प्रोनंसिएट करेंगे इसको? विच, और विच का मतलब होता है चुड़ैल। आपने देखा होगा कि मतलब मूवीज़ में, या वैसे भी हमारी जो इमेजिनेशन है वो बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल और वाइट साड़ी, और एक होता नहीं है कि बड़े बड़े दांत, सो उसी को जो है वो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चुड़ैल, दैट इज विच। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो आता है वो है डेविल, वन। ये नंबर टू आ गया हमारा, डेविल। ये इन्हीं के भाई हैं, चुड़ैल का जो मेल वर्जन होता है उसी को हम बोलते हैं डेविल, DEVIL, डेविल। डेविल का मतलब होता है शैतान। ओके, ये वर्ड्स हमने, आप अगर ध्यान से देखें इस कॉलम को, तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है या वीक है, या हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनको कि इन इन वर्ड्स में कुछ नया मिल जाए। अदरवाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको बहुत रेयर एक्सपोजर मिलता है इस तरीके के वर्ड्स का। तो मैंने उसी चीज़ को यहाँ पर आपके लिए कोशिश की है कि उसको समराइज़ कर सकें। सो डेविल, डेविल का मतलब होता है शैतान। थर्ड वन हमारे पास आता है वेम्पायर। ये है हमारा थर्ड वन, वेम्पायर, VAMPIRE, वेम्पायर। वेम्पायर, वेम्पायर का मतलब होता है पिशाच, या ऐसे जो नेगेटिव एनर्जी होती है, या आप उनको ऐसा समझ लीजिए कि ऐसे डेविल जो होते हैं जो कि किसी बंदे का खून चूसते हैं। आपने बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़ में देखा होगा कि एक ऐसा आइटम होता है, या कह लीजिए एक ऐसा उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक ऐसा बीन होता है, बीन मीन्स BEING, दैट मीन्स नॉट ह्यूमन बीन, चूंकि वो ह्यूमन बीन नहीं होगा। उस पर्टिकुलर बंदे का काम क्या होता है कि वो जो है रात में अपनी जो है वो ग्रेव से निकलता है, और जो भी लिविंग उसको ऑर्गेनिज्म मिलता है, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, उनके यहाँ पर अपने ऐसा दांत घुसेड़ करके जो है वो उनका ब्लड सक कर लेता है, उसी को हम बोलते हैं पिशाच। दैट इज़ एनी नेगेटिव एनर्जी विच ड्रिंक्स ब्लड, उसको हम क्या बोलते हैं? वेम्पायर। वेम्पायर, अगर आपने एक मूवी देखी हो, अंडरवर्ल्ड, एक हॉलीवुड की मूवी है, उसमें फुल कॉन्सेप्ट है इसका, आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा वेम्पायर का जो है एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। बट मैंने आपको बता दिया कि आपने देखा होगा, बहुत कोई नई चीज़ नहीं है ये, बहुत सारी मूवीज़ में ऐसा होता है जो कि यहाँ पर ऐसा दांत लगा करके जो है वो ब्लड सक कर लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं वेम्पायर। नंबर फोर हमारे पास आता है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक का मतलब होता है काला जादू। बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, बहुत बोला जाता है इस तरीके से, कोई ब्लैक मैजिक हो गया, या जैसे कहते नहीं है बंगाल का काला जादू जो है वो बहुत मशहूर है, सेम वही वर्ड है, ब्लैक मैजिक, काला जादू जिसको बोलते हैं। जादू टोना, ये भी एक सेपरेट जो है वो टॉपिक है, बट जो हमारा यहाँ पर टर्म है ये ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक का मतलब होता है काला जादू। ओके, नंबर फाइव हमारे पास जो आता है वो है विच क्राफ्ट।
नंबर फाइव है विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट का मतलब होता है जादू टोना। आपको पता है कि जादू टोना जो है वो होता है, ओके? ये बिलीव की बात है, कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं। हमारा काम है यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन पढ़ना, ये डिस्कशन का टॉपिक नहीं है कि होता है कि नहीं होता है। विच क्राफ्ट का मतलब होता है जादू टोना। आपने सुना होगा कि उसके ऊपर जादू हो गया या उसके ऊपर भूत सवार हो गया टाइप करके, जो है उसी को हम बोलते हैं विच क्राफ्ट, जादू टोना। नंबर सिक्स हमारे पास आता है घोस्ट। नंबर सिक्स है घोस्ट। घोस्ट का मतलब होता है भूत, ओके? ये आपने सुना होगा, ये इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर सेवन हमारे पास आता है कैनिबल, CANNIBLE, कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी या आदमखोर। मतलब ये हम जानवरों के लिए भी यूज़ करते हैं। आपको पता है फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा जानवर जो कि इंसान को मारने लगे, आदमखोर हो जाए, कहते नहीं है कि वो आदमखोर हो गया। इंसान भी कभी कभी आदमखोर हो जाता है, लाइक दूसरे इंसानों को काटने लगता है, मारने लगता है, उसी को हम बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है जब कोई जानवर या इंसान या जो है वो ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी जो कि जानवरों सॉरी ह्यूमन बीइंग्स पे अटैक करते हैं उनको और या उनको मारते हैं, उनको हम बोलते हैं कैनिबल, नरभक्षी या आदमखोर। आपने सुना होगा कि बहुत सारे जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कोई टाइगर है वो रिहायशी इलाकों में या किसी सोशल ग्राउंड पर आ जाता है और किसी जानवर को पकड़ लेता है, किसी आदमी को पकड़ के खा जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं कैनिबल, ओके? नंबर एट हमारे पास है एक्सोसिस्ट। EXOR, यहाँ पर बहुत स्लोली रीड आउट किया जाता है एक्सोसिस्ट, ओके? एक्सोसिस्ट का मतलब होता है ओझा या जादू टोना करने वाला। आपने हर जो स्कैरी मूवीज होती हैं उसमें देखा होगा एक आदमी ऐसा होता है जो लास्ट में सबको बचाता है, उसी को हम बोलते हैं एक्सोसिस्ट। लाइक जो जादू टोना करना जानता है, मंत्र पढ़ता है, होता है नहीं है वही चीज़ है यहाँ पर, उसको हम क्या बोलते हैं एक्सोसिस्ट, ओके? ओझा हम बहुत अगर ठेठ हिंदी में बोलते हैं तो उसको ओझा ही बोला जाता है, बट दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको समझ सकते हैं कि जादू टोना करने वाला, ओके। नंबर नाइन एंजल, ये पॉजिटिव वर्ड है, फरिश्ता। होता नहीं है कि यू आर एन एंजल, इस तरीके से हम बोलते हैं आप फरिश्ता हैं, आपने जान बचा ली, आपने हमारी हेल्प कर दी, मरने से बचा लिया करके, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है एंजल, जिसका मतलब होता है फरिश्ता, हर आदमी जानता है इसको, ओके। नंबर टेन हमारे पास आता है जिनी। नंबर टेन है हमारा जिनी। आपने देखा होगा अलादीन का चिराग, वही सेम चीज़ है, चिराग को घिसिए एक जो है वो उसमें से जो है वो एक जिन निकल करके आता है, जिन को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, जिनी बोला जाता है, ओके। नंबर इलेवन दैट इज़ अवर लास्ट वन, ये है हॉन्टेड हाउस। हॉन्टेड हाउस का मतलब होता है भूत घर, हॉन्टेड हाउस, ओके। हॉन्टेड हाउस भूत घर, भूत घर का मतलब होता है कि बहुत सारे घर जिसमें ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसके अंदर मतलब नॉर्मल इंसान जो है जाने से डरता है या कुछ अफवाहें होती हैं कि ओके इस घर में रात में आवाज़ आती है, इस घर में चलने की आवाज़ आती है, होता नहीं ऐसे घर कुछ, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे जो ओल्ड हाउसेज होते हैं जिनमें कोई नहीं रहता है, उनको हम लोग बेसिकली हॉन्टेड हाउस ही बोलते हैं। सो ये नंबर 11 था हमारा हॉन्टेड हाउस, जिसका मतलब होता है भूत घर, ओके। सो यहाँ पर टोटल 11 न्यू वर्ड्स थे, जिनमें से हो सकता है कि कुछ आपको पता हो, कुछ आपको नहीं पता हो, तो जो आपको नहीं पता है उनको आप अपने दिमाग में रखें और नेक्स्ट टाइम जब कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो तो आप इनको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। विच मतलब चुड़ैल, डेविल का मतलब होता है शैतान, वैम्पायर का मतलब होता है पिशाच। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि वो जो आपका ब्लड सक करते हैं या ब्लड ड्रिंक करते हैं। नंबर फोर आता है ब्लैक मैजिक, दैट इज काला जादू। विच क्राफ्ट जादू टोना, गोस्ट भूत, कैनिबल नरभक्षी या आदमखोर, जो कि ये आप एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं जो कि इंसानों को खाने लगते हैं। एग्जॉसिस्ट
एक्सोर्सिस्ट का मतलब होता है एक्सोर्सिस्ट, ओके, एक्सोर्सिस्ट, एक्सोर्सिस्ट का मतलब होता है जादू टोना करने वाला, या जिनको हम तांत्रिक बाबा करके बोलते हैं, पता होगा आपको, उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सोर्सिस्ट। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है एंजल, एंजल का मतलब होता है फरिश्ता। टेंथ वन हमारे पास है जिनी, जिसका मतलब होता है जिन, वही अलादीन का चिराग घिसेंगे तो उसमें से एक जिन निकलेगा, फिर आपकी तीन ख्वाहिशों को या विशेष को पूरा करता है, उसी को हम बोलते हैं जिनी, या इंग्लिश में जिनी बोलते हैं, हिंदी में उसको जिन बोलते हैं। लास्ट वन है हॉन्टेड हाउस, भूत घर, जिन घरों के बारे में कुछ नेगेटिव टॉक्स होती हैं या उसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हॉन्टेड हाउस। ओके, सो ये चीज यहां पर खत्म होती है कि वर्ड्स विच मेक यू स्केयर्ड, ऐसे वर्ड्स जो कि आपको डरा सकते हैं या डराते हैं, तो उनका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यहां पर मैंने समराइज करके लिखा हुआ है आपको, आपके लिए। सो होप कि ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। ऐसे ही जो है वो वीडियोस बनाऊंगा मैं, जिसमें से कि आपको कुछ नए वर्ड्स जो हैं वो सीखने को मिले। ओके, सो टिल